नमस्कार दोस्तों, आज हम अपठित गद्यांश करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसके दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय ही वह लक्ष्मी को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। प्रश्न एक, भारत की दृष्टि में किसका अधिक महत्व है? उत्तर, भारत की दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, उसका अधिक महत्व है। प्रश्न दो, मनुष्य के अंदर कौन से गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं? उत्तर, मनुष्य के अंदर बुद्धि और मन को नियंत्रित करने जैसे गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रश्न तीन, कौन सा आचरण निकृष्ट आचरण है? उत्तर, लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसे विचारों को अपनी प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना निकृष्ट आचरण है। प्रश्न चार, देश के करोड़ों गरीबों की हालत में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? उत्तर, देश के करोड़ों गरीबों की हालत में सुधार लाने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। प्रश्न तीन, दरिद्र जनों की स्थिति में सुधारों के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बाद भी सुधार न होने पाने का क्या कारण है? उत्तर, दरिद्र जनों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बाद भी सुधार न हो पाने का कारण यह है कि हम अपनी सुख सुविधाओं की ओर अधिक ध्यान देते हैं और कानूनों का पालन नहीं करते। धन्यवाद दोस्तों।